हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में डीमार्ट के रिजल्ट उस देखेंगे और डीमार्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उनके फाइनेंशियल्स देखेंगे एक बार। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नए आए हो तो बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो शेयर बाजार से रिलेटेड डेली बेसिस पर लाते रहते हैं और आपको इससे रिलेटेड नॉलेज देते रहते हैं। और बाकी आप भी हमें कमेंट करके कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड अगर पूछना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बातें डेफिनेटली करेंगे। अगर बात करें अभी की डेट में Q4 के रिजल्ट, HDFC लिमिटेड कल आए थे और CSB बैंक, DCB बैंक और बंधन बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड बैंक ने क्या डिविडेंड दिया है, NPS क्या है, उससे रिलेटेड बात करेंगे कि है। बाकी डेन नेटवर्क हैथवे केबल से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, पूरा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, तो इस बात को याद रखना, ये शेयर कभी भाग सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कोविड वैक्सीन के बनाने में जो कंटेनर यूज़ होते हैं, ओके, जो वैक्सीन वो लिक्विड रखने में, तो ऑब्वियसली बात है उसको एक ऑर्डर मिला है, डेट फ्री स्टॉक है, तो उसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो है अवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड, डी मार्ट। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे, बट अगर बात करें यहाँ पर जो मिड इंडिया है, मतलब महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर ये डीमार्ट काफ़ी फेमस है। और अगर मैं बताऊँ तो आपको डीमार्ट में कम प्राइस में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं। और अगर जैसे मैकडोनल्ड पूरी एक प्रॉपर्टी खरीदता है, उनका बिजनेस प्रॉपर्टी का है, बर्गर का नहीं है, इसी तरीके से इसका बिजनेस प्रॉपर्टी का कह सकते हो रिटेल के अलावा। तो आप बात करते हैं इसके रिजल्ट के से ही, तो अगर आप देख सकते हैं ये स्टैंड ऑल रिजल्ट है और इन करोड़्स में यहाँ पर रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये इस बार के रिजल्ट है, ओके, ये लास्ट क्वार्टर के और इससे पहले ये Q4 के रिजल्ट लास्ट ईयर के हैं। तो अगर बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम की हम सीधे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 7355 करोड़ रुपये के यहाँ पर इनकम होती हुई, रिवेन्यू होते हुए नज़र आए हैं। टोटल इनकम इससे पहले 7481 था और उससे पहले की बात करें तो 6229 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नजर आई थी। ईयरली बेसिस पर लगभग 1100 करोड़ रुपए का यहाँ पर जंप है और क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो लगभग यहाँ पर 130 करोड़ के आसपास यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, 125-130। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ओके, टोटल इनकम यहाँ पर बल्कि अगर बात करें ठीक ठाक है, ऐसा कुछ यहाँ पर कोई ईयरली वाइज बल्कि काफ़ी अच्छी है। एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस देखिए 6791 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हुए हैं, इससे पहले 6850 करोड़ के एक्सपेंस थे, इससे पहले अगर बात करें Q4 की तो 5883। तो एक्सपेंस ईयरली बेसिस पर बढ़े, ऑब्वियसली बात है जब इनकम होगी तो प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदने का, उसे बेचने का, उसका सब चीज़ की कॉस्ट आती है, तो यहाँ पर बट क्वार्टरली वाइज गिरावट हुई है जो कि अच्छी बात है। मैं अगर कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट इस हिसाब से ठीक ठाक आते हुए नजर आएंगे। प्रॉफिट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की टैक्स वगैरह देने के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 434 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है, इससे पहले 437 करोड़ रुपए का Q3 का रिजल्ट था और लास्ट Q4 की बात करें 286 करोड़। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, बट क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर 35-36 करोड़ रुपए के आसपास गिरावट नजर आ रही है, बट कह सकते हैं कि क्वार्टरली वाइज फ्लैट रिजल्ट यहाँ पर पेश कंपनी ने किया है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो देखिए 3 साल पहले 2017 में जब ये कंपनी आई थी, मल्टी बैगर रिटर्न आपको देते हुए नजर आया है। और शेयर प्राइस की बात करें तो 3300-3400 रुपये से सीधे यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आया है, 2800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 6 रुपये का EPS है, इससे पहले 7 का था, इससे पहले 4 का था। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। बाकी जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी ना और ये अपने आप को एक्सपेंड करेगी ऑल ओवर इंडिया, तो मुझे है इसके टक्कर का कोई कंपनी यहाँ पर रहेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्ट्स देते हैं और यहाँ पर काफ़ी कंसेशन, काफ़ी मतलब वन एक के साथ एक फ्री दे दिया या काफ़ी सारे सस्ते प्रोडक्ट देते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं। सेगमेंट वाइज आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके यहाँ पर इनके और भी चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर बात करें कंपनी की तो देखिए 1,87,563 करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटल है,
डेट की बात करें, आप कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। 2896 पे कंपनी का ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं इनका बिजनेस क्या है। FMCG के सेक्टर में ये काफ़ी बड़ा है, FNO में नहीं है। जिस दिन FNO में आ गया उसके 6-7 एक साल के अंदर अंदर ये आपको निफ्टी 50 में भी आता हुआ शेयर नज़र आएगा। तो कंपनी अगर बात करें 10 रुपये की फेस वैल्यू है, कभी भी बोनस वगैरह भी अनाउंस कर सकती है। अगर यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। इस बार के थोड़े बहुत लास्ट क्वार्टर से गिरावट है, बट कोई इशू नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें, बढ़ता हुआ नजर आएगा। इससे पहले 470 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, वो भी अच्छा खासा है प्रॉफिट है। और अगर बात करें ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 करोड़, 1 साल पहले 1035 करोड़ के यहाँ पर सेल्स थी। इसके बाद करें 23,787 करोड़ की सेल्स पर कंपनी पहुँच गई है। मतलब कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी दिखा रखी है इन्होंने अपने बिजनेस में। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का प्रॉफिट 1,165 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है। और अभी इनके स्टोर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से, अदरवाइज यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देता। बाकी बैलेंस शीट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व्स 10,000, मतलब रिजर्व्स का यहाँ पर अभी आया नहीं है, बट 2020 के हिसाब से बात करें तो 10,488 करोड़ रुपये का यहाँ पर रिजर्व्स है, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है। तो जिनके पास रिजर्व्स होते हैं उनको बोनस स्प्लिट देने में काफ़ी ईजी होता है। बाकी अगर डेट कंपनी की डेट की बात करें, 2020 में 280 करोड़ रुपए तक का डेट था, और अभी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स और डेट की यहाँ पर देखते हैं, तो कंपनी का डेट थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, बट थोड़ा बहुत ना के बराबर ही डेट है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, कंपनी का इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे हैं और कंपनी का कैश भी अच्छा खासा है। अगर बात कर लेते हैं स्टैंड और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर्स के पास देखिए 75% की होल्डिंग है, कंपनी देना ही नहीं चाहती। यहाँ पर FIIs अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दे, अगर यहाँ पर बेचना शुरू कर दे FIIs तुरंत खरीद लेंगे, DIIs तुरंत खरीद लेंगे। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर केवल और केवल 6% की हिस्सेदारी है, बाकी सारी हिस्सेदारी FIIs, DIIs और प्रमोटर्स के पास है। तो ऐसी कंपनी जहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा हो, जहाँ पर शेयर होल्डर अपने पैसे बेच मतलब अपने शेयर्स बेचना ना चाहते हो, जहाँ पर रिजल्ट में कंसिस्टेंसी हो, जहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश करती हो कंपनी हर बार, तो ऐसी कंपनी में आपको रहना है और ऐसी कंपनी ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न फ्यूचर में देती हुई नज़र आएगी। और बाकी जब शेयर अगर गिरता हुआ नज़र आए तो एक्युमुलेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और दूसरी वीडियो को भी जाके देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।